अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्नर कंपिटेटिव एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग नाउन्स, वर्ब्स एंड सब्जेक्ट्स। किसी भी सेंटेंस में नाउन्स, वर्ब्स और सब्जेक्ट्स को कैसे फाइंड करना होता है, ये कभी कभी करेक्शन में आ जाता है। देखें, हम एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। जब किसी चीज़ को सीक्वेंस के साथ किया जाए और कंटिन्यूसली किया जाए ना, तो वो इजी होती है। तो आई विल ट्राई कि ये सीक्वेंस जो है ना, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो सेंटेंस में नाउन्स, वर्ब या सब्जेक्ट्स को कैसे फाइंड करते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन अगर की जाए नाउन की, नाउन इज़ अ वर्ड आर अ सेट ऑफ वर्ड्स फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग आर आइडिया। अ नाउन ऑफ मोर देन वन वर्ड, टेनिस कोर्ट, गैस स्टेशन इज कॉल्ड अ कंपाउंड नाउन। देयर आर कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो होते हैं वो बेसिकली जनरल क्लास के होते हैं और वो कैपिटलाइज नहीं होते। मैन, सिटी, अवार्ड, अनेस्टी, और जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटलाइज्ड होते हैं और वो स्पेसिफिक पीपल या प्लेसेस या थिंग के होते हैं। जैसे जॉय एक नाम है, शिकागो एकेडमी अवार्ड, तो ये जो प्रॉपर नाउन है। वर्ब की डेफिनेशन की जाए तो वर्ब इज़ अ वर्ड आर सेट ऑफ वर्ड दैट शोज एक्शन, जैसे रनस, इज गोइंग, हैज़ बीन, पेंटिंग, फीलिंग, लव्स, अ स्टेट ऑफ बींग, एम आर इज, हैव बीन, वाज, सीम। तो एक बार नोट कर लें कि वी विल यूज़ द स्टैंडर्ड ऑफ इटालियन सब्जेक्ट्स एंड अंडरलाइनिंग वर्ब्स। ये हम तमाम सीक्वेंस में जो सब्जेक्ट्स को इटालियन और वर्ब को हम अंडरलाइन करेंगे। लाइक एग्जांपल, ही रैन अराउंड द ब्लॉक, तो ही सब्जेक्ट है, रैन वर्ब है। आई लाइक माय फ्रेंड, आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है। दे सीम फ्रेंडली, दे सब्जेक्ट है, सीम जो वर्ब है। स्टेट ऑफ बींग वर्ब आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, जैसे के बी, बींग, बीन, एम, इज, आर, वाज, वर। और वो वर्ड जो लुक, फील, अपेयर, एक्ट, गो, फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, ठीक है। इसके लिए एडजेक्टिव और एडवर्ब की एक और वीडियो आएगी, तो उसे मज़ीद डिटेल देखेंगे। लाइक यू लुक हैप्पी, यू सब्जेक्ट है तो लुक वर्ब है। वी फील फाइन, तो वी सब्जेक्ट है, फील फाइन है। ही सब्जेक्ट है, वेंट जो वर्ब है। वर्ब ऑफन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, फॉर इंस्टेंट, हैड बीन, ब्रेकिंग डाउन इज अ फॉरवर्ड वर्ब। हैड बीन भी जो ये एक वर्ब है, हैड बीन, ब्रेकिंग डाउन। इट हैज़ अ टू वर्ब वर्ड, मैन वर्ब, ब्रेकिंग डाउन एक है जिसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं, और टू हेल्पिंग वर्ड है, हैड एंड बीन। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली सो नैंड बिकॉज दे हेल्प क्लैरिफाई द इंटेंडेड मीनिंग। मैनी वर्ब कैन फंक्शन एज हेल्पिंग वर्ब, इंक्लूडिंग इज, शैल, मस्ट, डू, हैज, कैन, कीप, गेट, स्टार्ट, हेल्प, एट्सेट्रा। तो वर्ब ऑफन टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स विच रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब कैरीड आउट बाय द सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई लाइक केक, तो केक जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, लाइक डन बाय द सब्जेक्ट आई। दूसरा सेंटेंस देखें, शी लिफ्ट्स वेट, तो वेट्स जो रिसीव द एक्शन, लिफ्ट डन बाय द सब्जेक्ट शी। नेक्स्ट देखें, आई गेव जॉय द केक, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो जॉय है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिसीव कर रहा है, केक गिवन बाय सब्जेक्ट आई। तो केक जो है ना, वो आई जो सब्जेक्ट है वो दे रहा है, किसको दे रहा है, जॉय को दे रहा है। शी डिड मी अ फेवर, तो शी जो है फेवर दे रही है किस सब्जेक्ट को, जो मी है, इसे हम इनडायरेक्ट सब्जेक्ट कहते हैं। जो पहला सब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट होता है, जो दूसरा होता है
किसी वर्ब के बाद होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, वो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होता है। समटाइम्स वर्ब रिक्वायर्ड प्रीपोजिशन टू कंप्लीट अ सेंटेंस। अ नाउन अफेक्टेड बाय अ प्रीपोजिशन इज कॉल्ड सिंपली द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। जैसे कि स्टॉप टॉकिंग अबाउट देम, तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन अबाउट इज देम। तो अबाउट इज देम जो है ना, प्रीपोजिशन अबाउट का जो देम है वो इसका ऑब्जेक्ट है। आई सॉ समवन इनसाइड द हाउस, तो इसमें ऑब्जेक्ट जो प्रीपोजिशन का है, इनसाइड प्रीपोजिशन है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हाउस है। इसके बाद जेरंड आता है, वो एन अदर वर्ब रिलेटेड टर्म। वी विल मेंशन ओनली ब्रीफली, जेरंड आर आल्सो कॉल्ड वर्बल नाउन बिकॉज दे आर फॉर्म्ड व्हेन वर्ब्स हैव आई एन जी एडेड। ये वो नहीं होते जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के साथ आई एन जी लगाते हैं। तो ये फर्स्ट में भी आ सकते हैं, स्टार्ट में और एंड पे भी आ सकते हैं। वॉकिंग इज ग्रेट एक्सरसाइज, द आई एन जी वर्ड जो वॉकिंग है वो बेसिकली जेरंड है, तो वो इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। जो वॉकिंग है ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। सब्जेक्ट एक नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, या सेट ऑफ वर्ड होता है जो कि वर्ब को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, द वोमेन हरीड, वोमेन इज द सब्जेक्ट, शी वाज लेट, शी इज द सब्जेक्ट। ऐसे ही इसके रूल्स होते हैं। रूल नंबर वन है डिफाइंड टू फाइंड द सब्जेक्ट एंड वर्ब, ऑलवेज फाइंड द वर्ब फर्स्ट देन आस्क हु आर व्हाट परफॉर्म द वर्ब। जैसे कि द जेट इंजन पास्ट इंस्पेक्शन, तो पास्ट इज वर्ब, जो पास्ट है ये वर्ब है। हु आर व्हाट पास्ट द इंजन, सो इंजन इज सब्जेक्ट। नेक्स्ट में देखें, फ्रॉम द सीलिंग हंग द चैंडलियर, तो वर्ब हंग है, तो आपने ये सोचना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। स्लो डाउन, तो आस्क हु आर व्हाट हंग, आंसर इसका चैंडलियर होगा, ना कि इसका सीलिंग होगा। तो ये छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं, इसको बड़े केयरफुलनेस के साथ, केयरफुल तरीके के साथ इनको डील करना होता है। रूल नंबर टू है, सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन सब्जेक्ट और मोर देन वन वर्ब। लाइक फॉर एग्जांपल, आई लाइक केक, लाइक एक वर्ब आ गया, एंड ही लाइक्स और दूसरा वर्ब आ गया, आइसक्रीम। दो सब्जेक्ट हैं आई और ही, इसमें वर्ब भी दो हैं, लाइक और लाइक्स, ही एंड आई, ये दो वर्ब हैं। लाइक केक, तो इसमें सब वर्ब एक है, दो सब्जेक्ट हैं। रूल नंबर थ्री, इफ अ वर्ब फॉलो टू इट इज़ कॉल्ड एन इन्फिनिटिव। अगर कोई भी वर्ब जो टू को फॉलो करे तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। एंड इट इज़ नॉट द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब नहीं होता। यू विल फाइंड द मेन वर्ब इधर बिफोर और आफ्टर द इन्फिनिटिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ही इज़ ट्राइंग टू लीव, अब ये ही इज़ ट्राइंग टू लीव, टू लीव ये जो टू है ये लीव है, ये जो ट्राइंग है ये बेसिकली इसमें जो वर्ब है मेन वर्ब इसका इज़ ट्राइंग है, टू लीव इसमें जो है ना इन्फिनिटिव है। टू लीव वाज हैज हिज विश, उसकी विश है, तो मेन वर्ब क्या है, इज़। रूल नंबर फोर देखें, एनी रिक्वेस्ट और कमांड सच एज स्टॉप और वॉक क्विकली हैज़ ही अंडरस्टूड सब्जेक्ट यू। जिसका नहीं दिया गया होता सब्जेक्ट, आपने उसका यू लिखना होता है। बट इफ़ वी आस्क हु इज़ टू स्टॉप और वॉक क्विकली, द आंसर मस्ट बी यू। लाइक प्लीज़ ब्रिंग मी सम काफ़ी, तो प्लीज़ ब्रिंग मी सम काफ़ी, किसे कह रहा है कि कुछ मुझे काफ़ी चाहिए, तो कॉफ़ी यू, उसमें यू सब्जेक्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस्म के जो एग्रीमेंट्स थे और इनके रूल्स थे, छोटी सी एक वीडियो थी, इसको बड़ी केयरफुल तरीके के साथ आपने डील करना है।
इंशाल्लाह ऐसे ही रूल्स आपको फर्दर भी वीडियोस में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।